नमस्कार, दिल्ली लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। आखिरकार कब तक यूं जनता ऐसे फ्रॉड में आती रहेगी? जनाब, जैसे कि आपको पता ही है, अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल्स आए, आपको पिक नहीं करनी, आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं देना। आजकल स्कैम चल रहे हैं, बैंक से बैलेंस जो है वो निकाले जा रहे हैं, फिर भी ना जाने क्यों जनता बेवकूफ बन जाती है। जब आपको पता ही है, जब बैंक लोन चाहिए तो आप जाइएगा, अपने SBI में जाइएगा, जो भी ATM है वहां पे जाइएगा, खुद जाके बात कीजिएगा। और कोई भी कॉल आता है, चाहे वो ATM के रिगार्डिंग है, आपका ATM बंद होने वाला है, चाहे वो बैंक के अकाउंट के रिगार्डिंग है, बैंक वाले या लोन वाले कभी भी कॉल नहीं करते जनाब। आपको इसी कॉल से समझना चाहिए। और नंबर जो इनके होते हैं 93 digits से स्टार्ट है, 92 digits से स्टार्ट है, नंबर ही अननोन्स होते हैं। पहली बात तो आपको उठाना ही नहीं है फोन, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, उसी वक्त डिलीट करना है। हम आपको बार बार एक मैसेज देते हैं, उसके बावजूद भी ना जाने क्यों लोग जो है रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। जनाब, आपको बताते चलो, जो आप खुद मेहनत करोगे, जो आप दिन रात एक करोगे, जब आप पसीना बहाओगे, उसके बाद ही वो पैसा आपका अपना है। आज के टाइम पे अपने घर वाले भी काम नहीं आते पैसे के मामले, बाई बाई नहीं बनता, और आपको लालच है कि कोई आपको लोन दे रहा है। ऐसे जांचों में मत आइएगा। अब इनसे बात करते, एक शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते चलो, ऐसे ही धोखाधड़ी के मामले में ये शख्स आ गए हैं। इनको एक फोन आता है लोन को लेकर, और उल्टा लोन क्या लेना, जो इनके अकाउंट में बैलेंस था वो ही अकाउंट से चला गया है। अब चलिए, पूरी बात क्या है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे और भी कोई लोग ऐसे बातों में ना आ जाए, पैसों के चक्कर में कि हमें लोन चाहिए। आजकल के टाइम पे माना कि बड़ी ही यहाँ पे वो चल रही है, काम काज नहीं है, लोग चाहते हैं कि हमें कोई लोन देने वाला बने। अब एक शख्स, सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे, मिस्टर विपिन गुप्ता, ये अकाउंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, और फोन नंबर क्या है, और दिल्ली से आईडी निकली है, जो कि SBI से बनकर फोन कर रहा है। अब पूरा मामला क्या है, चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। जी, आपसे सबसे पहले बात, पूरी बात जानना चाहेंगे, आपको फोन आता है, क्या बात होती है, कितना आपका बैंक में बैलेंस था, पूरी बात बताइएगा। सबसे पहले बात करने से पहले हम आपको ही डांटेंगे कि आपको नहीं पता कि कहीं ना कहीं गलती पूरी आपकी है। गलती तो मेरी है जी, सरासर गलती मेरी है, मैंने गलत किया है, मतलब मैं इसकी बातों में फंस गया। इसने मुझे बहुत ना, मतलब जबरदस्त पॉलिसी से मुझे मोटिवेट किया, कसमें उठाने लगा, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम उठाने लगा, मैं आपका लोन करवा दूंगा, आप ऐसा करो। आप आपको नहीं पता, आजकल झूठा इंसान वही है जो कसम खाता है। ये तो अब तो मेरे को पता चला, लेकिन इंसान सुधरता है ठोकर खाने के बाद। सबसे पहले बताइए, बैंक में कितना बैलेंस था आपके? मेरे बैंक में बैलेंस था, तकरीबन पैसा था, फिर मैंने ये खुद बताइएगा, मेरे पास था तकरीबन, उस टाइम था तकरीबन 1 लाख से ऊपर रुपए। अब कितना रह गया? अभी रह गया कोई 45,000 अभी। कितना दुख लग रहा है अंदर से, बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। सोचा क्या था कि रातों रात लोन मिलेगा, शायद अमीर बनोगे, काम काज करोगे, वो भी हाथ ही गए। और काम करूंगा। अब पूरा मामला क्या है, चलिए वो बताइएगा। ये मसला ऐसे हुआ कि इसने, जब इसके साथ फोन पे रब्ता हुआ, इसने जो था फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दिया था कि आप ऐसा करना, अगर किसी को भी लोन चाहिए तो हम आपको लोन करवा के दे देंगे, 20,000 से 50,00,000 तक हम लोन देते हैं आपको। तो मैंने उसी नंबर पे जब फोन किया तो ये फिर कहने लगा, हाँ जी ऐसा हो सकता है, आप बिल्कुल ऑनलाइन कर लो, अगर आपको ऑनलाइन लोन करवाना है आपके खाते में आ जाएगा, तुरंत पैसा आ जाएगा, तो आप मतलब 490 रुपया जो है फीस भर दो। तो मैंने 490 रुपया था जो इसने उधर से मुझे स्कैनर भेजा, तो मैंने स्कैनर पे इसको 490 रुपये ट्रांसफर कर दिया। तो फिर कुछ ही मिनटों के बाद कहने लगा, नहीं जी आप ऐसा करो, अब आप 1,280 रुपया डाल दो तो तब आपका लोन होगा, मैं आज ही करवा दूंगा, आज ही दिन में। मैंने कहा आज कैसे हो सकता है, नहीं हो जाएगा जी, मुझे अल्लाह की कसम है, भगवान की कसम है, मुझे ऐसा हो जाएगा, आज ही दिन में हो जाएगा। अभी देखना, आप अपना खाता चेक करो, मैं अभी आपको मैसेज भेजूंगा, 1.5 मिनट के बाद आपको पैसा आ जाएगा। तो फिर मैंने 1,280 जो था वो भी डाल दिया। फिर बोलने लगा, अकाउंट नंबर में डाला आपने? हाँ, मैंने उसके मतलब स्कैनर में डाला। फिर क्या हुआ? तो फिर कहने लगा, जब 1,280 भी डाल दिया तो फिर कहने लगा, आप ऐसा करो, आप 2,499 रुपये डाल दो। तो आपको उसी वक्त शक नहीं हुआ, पहले 1,280 फिर 2,400 की कुछ रकम, आप समझदार तो हो, आप कैसे उस शख्स के बातों में आ गए? सबसे पहले तो आपकी ही सबसे पहले गलती है, फिर बाद में लोग आते हैं मीडिया के सहारे। आपको नहीं लग रहा वो शख्स जो पैसे मांग रहा है वो ही सबसे बड़ा चोर है?
वो तो बाद में तो मुझे लगा, लेकिन मैं फंस गया जब उसकी बातों में, जब थोड़ा बहुत पैसा चला गया तो फिर मैंने यही सोचा कि अब कोशिश करूं, मत देखो मेरा लोन हो ही जाए तो तब भी ये मेरा जो पैसा चला गया, ये भी कहता था जो आपका पैसा आप डाल रहे हो ये आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके खाते में वापस आएगा पैसा। आप ऐसा करोगे, आप जो 490 डालोगे उसमें 50 रुपया कटेगा, बाकी आपके खाते में ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पैसा कटेगा, बाकी जो है वो गला ये आरबीआई में जाएगा, ये फाइल बन रही है पता नहीं कहाँ कहाँ बन रही है, उधर से बन के आएगी वहाँ वो जान से में फंसा दिया, बड़े बड़े खाब दिखाने लगा, खाब दिखाने लगा ऐसे ऐसे खाब। भाई दा भी आप करते क्या हो? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी क्या दिहाड़ी लेते हो? नहीं मैं अपनी गाड़ी तकरीबन मेरे पास अपनी गाड़ी है। कितना महीने का कमा लेते हो? कमा लेता तकरीबन 30,000 रुपया। होता है कि 30 आज के टाइम पे 50,000 भी कम है, मतलब जितना कमाया जाए। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम 5 है, मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरे 3 बच्चे, एक लड़का है, 2 लड़की है। मान सकते हैं कि आज के टाइम पे बच्चे फैमिली जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और उस हिसाब से 30,000 भी कम पड़ता होगा, तो आपने सोचा होगा कि लोन अप्लाई करता हूँ, तो आपके दिमाग में इतना नहीं है कि अगर लोन अप्लाई करना तो किसी बैंक में, जम्मू के बैंकों में जाना चाहिए? बाद में तो मैंने सोचा, लेकिन जब इसकी बातों में फंस गया तो फिर क्या करता, फिर मैं मजबूरी हो गया, तो फिर मैं इसी की बातों के पीछे पीछे चलता रहा। आप बातों में फंसे, उसने चाहे तो जबरदस्ती पिलाया ही नहीं, आप बात में कैसे फंस सकते? आज मैं अभी कहती हूँ कि आपको यहीं पर रात तक रहना है, आपके ऊपर पैसे रब फेंकेगा, आप मान सकते हैं इस बात को? मैं मुझे गलती होगी सर, मेरी गलती है, मुझे अपनी गलती मान। इमोशनल बातें करेंगे आप और इमोशनल होंगे, ऐसी बातें हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ रही है ताकि कोई दूसरा शख्स ऐसे जानसों में ना फंस जाए। जनाब आज के टाइम पे कोई 100 रुपया भी मारे ना तो जो दिहाड़ीदार है उससे पूछा जाए, और ये व्यक्ति को अगर हम ऐसी बातें नहीं करेंगे और इनको टक्कर देने वाला कौन होगा? ना जाने कितने बोले बोले इंसान है, कितने लोग और या कोई और इनको जानसा ना दे जाए। आंखों में आंसू तो टपक रहे हैं, ये वही समझ सकता है जो 30,000 कमाने वाला इंसान, और रब अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। और मैं ऐसे शख्स, ऐसे फ्रॉड करने वाले को कह दूं कि ना जाने उनकी फैमिली में घर बार नहीं है, पैदा करने वाली माँ होती है, उस माँ का तो सोचिएगा जनाब जिसने 9 महीने पेड़ में रखा होता है। आप जिस इंसान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं वो भी एक माँ का बेटा है, उनके घर में बच्चे हैं, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना तो जब लाखों से भी इंसान गरीब हो जाता है। अब आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहते हो? बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये जो भी ये नंबर शंबर आ रहे हैं इस पे फेसबुक पे, कि हम आपका नंबर दिखाइए, कौन सा नंबर है? ये नंबर है इसका, निकालिए नंबर, आपको नंबर दिखाने की तस्वीरें कोशिश करते हैं। ये देखिएगा ये कौन सा नंबर, इसमें कई सारे नंबर है, आप एक नंबर दिखाइएगा, मेन कौन सा नंबर था? ये जो 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 मेरे 98 था, ये देख सकते हैं 9831810017। ये SBI लोन, अगर आपको भी इस तरह की कॉल्स आती हैं, और मैं आपको खास चीज बता दूं, ये WhatsApp पे जब आप सेव करेंगे नंबर जनाब, वहाँ पे या तो करोड़पति की वो DP लगाई होगी, DP का क्या, गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएंगे, रातों रात अमीर बन सकते हैं वो भी मिल जाएंगी गूगल पे, क्या नहीं होता जनाब। और कुछ ऐसे फोन आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति की रिंग सुनाते हैं कि आप वहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है, आपको इतने पैसे भरने होंगे जनाब। जब आप एक पेमेंट भरेंगे उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो पैसे जो है सारे निकल जाएंगे, यूं कह लो स्कैम हो जाएगा। थोड़े दिन पहले भी हमने लाइव आए थे, आपको बताया था कि अब आधार कार्ड जिनके पास है वो भी सेव नहीं है, अपने आधार कार्ड को आपको क्या करना है वो भी हमने बताया था जनाब। तो ऐसे धोखाधड़ी में आप लोग ना आए, कोई भी कॉल्स आते हैं, और ना जाने कल को उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग बाहर नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं, माँ बाप की बात करें, उन बेचारों कुछ नहीं बता, अपने माँ बाप को भी अलर्ट कीजिएगा, अपने पिताजी को, अपने माताजी को, हम घर पे नहीं होते, कोई फोन आता है और हमारे माँ क्या करते हैं, अच्छा जी रुकिएगा, आधार कार्ड का नंबर देना शुरू कर देते हैं, पैन कार्ड का, उनको भी समझाइएगा। और आज के टाइम पे किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, अगर आपको लोन अप्लाई करना है या किसी से पैसा उठाना है तो जम्मू बहुत बड़ा है इस मामले में, पैसे लेन देन जम्मू वालों से कीजिएगा, बैंक में जाइएगा, ऐसे धोखाधड़ी पे मत आइएगा। ये रहा नंबर जो ना, इसका खाता के साथ अटैच है नंबर। चलिए अब तो इस पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, कंप्लेंट कर दी आपने। हाँ तो कंप्लेंट तो मैंने की है, मैंने साइबर क्राइम ब्रांच में भी की है, RBI में भी की है, और अपना जो ये JK बैंक है इनके हेड ऑफिस। आपको लगता है कि अब ये पकड़ में आएंगे, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स तो ना जाने कितने लोग करते हैं, ऐसे बंदे हाथ में नहीं आते, इनका फोन स्विच ऑफ जाएगा, सिम तोड़ देंगे। मुझे अल्लाह ताला पे पक्का भरोसा है कि अल्लाह ताला किसी का हक किसी के नसीब नहीं करता, वो तो उसका बुरा हाल होगा ही, लेकिन ये शख्स आपको लगता है कि पकड़ में आएगा। जब एक पैसा, आपको भी बता दूं और आपको भी बता दूं, जब एक बारी कोई कस्टमर बेवकूफ बन जाता है, उनकी क्या होता है कि लॉटरी लग जाती है, जब पैसा आ गया उसी वक्त सिम तोड़ के फेंक दी जाती है जनाब,
और आप मत सोचिएगा कि कंप्लेंट होगी, आजकल दो नंबरी में सिम भी मिल जाती है, आप क्या नहीं हो सकता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से हो जाए सावधान, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हम भी कोशिश करेंगे, हम भी भगवान से यही दुआ करेंगे जो इनकी मेहनत है, जो इनके पैसे है, वो शख्स जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इनके जो हक पैसे है वो इनको वापिस मिल जाए। देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज, सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।